और देखो कुछ ही देर के अंदर यहाँ मेरे पास में दिवाली से रिलेटेड जो प्रेजेंटेशंस हैं वो तैयार होने शुरू हो जाएंगे। देखो ये आपके सामने ही बनाया गया AI जनरेटिंग जो है वो चल रहा है यहाँ पे, और एक एक करके जो सारे प्रेजेंटेशंस हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। अगर हर रोज कुछ नया सीखने की प्रचंड इच्छा रखते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना और ऑल पर क्लिक कर देना। आपने कभी ना कभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो तैयार की होगी, अब चाहे स्कूल में तैयार की हो चाहे आपने ऑफिस में तैयार की हो, और इसको बनाने की जरूरत कभी ना कभी आपको पड़ती होगी। कितना टाइम लगता है? 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट? मैं गारंटी देता हूं कि रिसर्च करने में ही आधा से पौन घंटा या 1 घंटा तो लग ही जाता होगा, उसके बाद का आधा घंटा या 1 घंटा आपको प्रेजेंटेशन तैयार करने में लग जाता है। और अगर मैं कहूं कि ये सारा काम यानी रिसर्च करने का और प्रेजेंटेशन तैयार करने का आप 1 मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हैं तो कैसा होगा? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सारे काम कैसे आप AI टूल्स का इस्तेमाल करके 1 मिनट से भी कम समय में कर सकते हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं रिसर्च करने के लिए AI टूल्स की, तो हम 2 टूल्स को इस्तेमाल करके देखेंगे। पहला टूल है हमारा ChatGPT और दूसरा टूल है हमारा गूगल बार्ड। ये दोनों टूल्स के माध्यम से हम अपने प्रेजेंटेशन के लिए इसको एक आइडिया देंगे और आइडिया के बेसिस पे ये हमको वो प्रेजेंटेशन तैयार करके देंगे या उसके लिए मटेरियल तैयार करके देंगे। और फिर कैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ChatGPT पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट हम देंगे। प्रॉम्प्ट में हमने लिखा है प्लीज हेल्प मी मेक अ 10-स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ दिवाली। अब इसमें हमने एक और प्रॉम्प्ट डाला है कि हमको प्लेस होल्डर्स नहीं चाहिए, जो टेक्स्ट बॉक्स टाइप आते हैं वो नहीं चाहिए, और ये अपने नॉलेज के बेसिस पे वो रिसर्च करे और हमको वो सारा स्लाइड शो का जो मटेरियल है वो तैयार करके दे। तो यहाँ पे जैसे हम ये प्रॉम्प्ट डालेंगे तो ये ChatGPT हमको जो सारा रिसर्च है वो करके यहाँ पे दे देगा। तो देखिए कुछ इस तरह से इसने रिसर्च किया है, पहले स्लाइड के लिए डाला है, दूसरे स्लाइड के लिए डाला है, ये सारी चीजें इसने हमको तैयार करके दे दी हैं दिवाली के बारे में। आप जो चाहो सो इससे करा सकते हो, ये सारे रिसर्च आपके लिए कर देगा। इसी तरह से गूगल बार्ड में भी आप यहाँ पे दे सकते हो। गूगल बार्ड में आपको प्लेस होल्डर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीधे सीधे प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हो, प्लीज हेल्प मी मेक अ 10-स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ दिवाली। सो यहाँ पे हम सिंपल इसको ये दे देंगे और ये हमको 10 स्लाइड्स के लिए जो मटेरियल है वो तैयार करके दे देगा। अब देखो ChatGPT हो या गूगल बार्ड हो, इन दोनों ने हमको एक दिवाली के लिए स्लाइड शो बनाने के लिए मटेरियल तैयार करके दे दिया, हमको सारा डेटा मिल गया। अब स्लाइड शो कैसे बनाना है, तो आपको जो भी चैटबॉट अच्छा लगे उसका डेटा ले लीजिए। तो मान लीजिए हम गूगल बार्ड से डेटा उठा लेते हैं, ये सारा डेटा हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, ये एडिशनल स्लाइड्स का डेटा पूरा हमने ले लिया। और इसके बाद हम ओपन करेंगे गूगल बिंग ब्राउजर को या गूगल क्रोम को और यहाँ पे लॉगिन करेंगे ऑफिस 365 के ऊपर। ये बिल्कुल फ्री है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो में बना चुका हूँ कि कैसे आप फ्री में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे टूल्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है और चले जाना है MS Word पर और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। देखो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो समय के अनुसार खुद को डेवलप करती रहती है, कुछ ना कुछ सीखती रहती है। अब ये जो AI हैं ये भी सीख ही रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो अगर आपको भी बारीकी से ये सारी चीज़ें सीखनी है, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बनना है, तो अभी से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, ऑफिस में काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, तो ये सारे कोर्सेज आपके बहुत काम आ सकते हैं। और बड़ी विशेष बात ये है कि ये सारे कोर्स जो हैं वो ऑफलाइन हैं, यानी पिन ड्राइव के अंदर हैं। आप अपने कंप्यूटर में, टीवी में, टैब में और मोबाइल फ़ोन में ये पिन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के ये सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। 1000 से ज़्यादा लेसन्स हैं और 19 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और आपको यहाँ पे मिलती हैं 1800 से ज़्यादा PDF जिनका यूज़ करके आप शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ में हमने कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जो आपको वास्तविकता में बहुत अच्छी लगेंगी, जैसे कि एक्सेल मग और ये माउस पैड जिसे आप अपनी टेबल पर रख सकते हैं और हर समय जो शॉर्टकट्स हैं वो आपके सामने रहेंगे। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है और पहुंच जाना है हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर। अभी डेवलप करिए अपने स्किल्स को और बन जाइए कंप्यूटर में एक्सपर्ट। और यहाँ पे वो जो आपने डेटा कॉपी किया था उसको इधर सीधे सीधे पेस्ट कर देना है। तो देखो ये डेटा मेरे पास आ गया है। अब आपको सिंपल क्या करना है, अब देखो कैसे 1 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन तैयार होती है MS Word से, MS PowerPoint के अंदर। तो आपको जाना है फाइल के ऊपर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन।
एक्सपोर्ट के ऑप्शन में आपको दिखाई देगा एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रीव्यू, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये एआई की मदद से दिवाली के ऊपर खुद ब खुद एक प्रेजेंटेशन तैयार कर देगा। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो थीम्स हैं वो मिल जाएंगे, ऊपर आपको थीम्स दिख रहे होंगे, अगर आपको इसमें से कोई पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सी मोर थीम्स से आपको क्लिक कर देना है और आपको नीचे और भी थीम्स मिल जाएंगे। तो मैं दो चार थीम्स और देख लेता हूँ, देखो कुछ इस तरह के। अब आपको सिंपल जो भी थीम पसंद हो उस पर क्लिक करिए और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके जो स्लाइड्स हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं और कुछ ही देर में आपको ये सारे जो स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो अब मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपके जो दिवाली के लिए आपने जो वहाँ से डेटा लिया था उसके स्लाइड्स यहाँ पे आ गए हैं। हम एक एक करके ये सारे स्लाइड्स देख लेते हैं। जैसे इस स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे तो देखो इस तरह से ये स्लाइड यहाँ पे तैयार हो गया। इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड यहाँ पे तैयार हो गया। इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड यहाँ पे तैयार हो गया। एक चीज़ और आपको बहुत अच्छी बता देता हूँ कि मान लीजिए ये जो स्लाइड है अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पे आपको और डिज़ाइंस भी इसके दिख जाएंगे। इसी तरह से स्लाइड नंबर 2 है, अगर आपको और भी डिज़ाइन आइडिया चाहिए हो तो साइड में ये डिज़ाइनर टैब आता है, आप कोई और टैब सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इस डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसकी जगह अगर मैं ये डिज़ाइन लूँगा तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो चेंज होके मेरा इस तरह से आ जाएगा। ऐसे ही मानो ये स्लाइड नंबर 3 है, ये आपको बहुत फीका फीका सा लग रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, उनसे आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं बस यहाँ पे क्लिक करूँगा इस तरह से किसी और डिज़ाइन पे और ये डिज़ाइन इसका चेंज हो जाएगा। इस तरह से चौथी या पाँचवीं जो भी आपके सामने स्लाइड्स आ रही हों उनकी डिज़ाइंस आप यहाँ डिज़ाइनर की मदद से चेंज कर सकते हो इस तरह से। और सिंपली क्योंकि अभी ये पावर पॉइंट में आ चुका है तो आप अपनी फाइल को जब चाहो जब अपने कंप्यूटर में सेव करा सकते हो और एक्सपोर्ट करा सकते हो। तो ये तो हो गया एक तरीका और इससे हमने पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड बनाई। अब दूसरा क्या तरीका है बिल्कुल ऑटोमेटिक सारी कामों को करने का, तो अब मैं आ जाता हूँ अपने वेब ब्राउजर के अंदर और आपको पहली वेबसाइट के अंदर ले चलता हूँ। इस वेबसाइट का नाम है tom.app। ये एक AI वेबसाइट है जो आपके लिए फ्री में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करती है। आपको सिंपल करना क्या है, आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे आपको फ्री में 500 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। अब जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने ये इस तरह की एक विंडो आ जाएगी और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हो। देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो, इमेज जनरेट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट से प्रेजेंटेशन बना सकते हो, लेकिन हमको तो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। सो यहाँ पे हम क्रिएट प्रेजेंटेशन अबाउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल हम दिवाली शब्द टाइप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दीपावली टाइप कर दिया है या यहाँ पे देखो ये ऊपर आपको एक प्रॉम्प्ट और दिख जाएगा क्रिएट प्रेजेंटेशन अबाउट दिवाली, इस पर हम क्लिक करेंगे और देखो यहाँ से ये अपने आप से जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको जनरेट करना शुरू कर देगा। तो कुछ देर लगेगी और इसने देखो इतने सारे जो स्लाइड्स हैं वो तैयार कर दी हैं। मैं एक चीज़ आपको और बताना भूल गया कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे पेज घटा या बढ़ा सकते हैं। तो अभी ये जो स्लाइड है वो 6 पेज की बन रही है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको 20 से 25 पेज की भी बना सकता हूँ। फिलहाल के लिए हम 6 पेज ही रखेंगे, उसके बाद यहाँ से जनरेट पे क्लिक करेंगे और जो हमारे स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे इस तरह से जनरेट होके आ जाएंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके स्लाइड शो के लिए कुछ लेआउट्स भी दिख जाएंगे, तो आप जो भी लेआउट चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो लेआउट आपको दिख रहा है ना ये फर्स्ट स्लाइड के लिए है, तो देखिए इसने खुद से ये जो इमेज है ये भी जनरेट करी है और ये जो टेक्स्ट है ये भी जनरेट किया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक इमेज ले सकते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है और सेकंड स्लाइड के लिए यहाँ पे लेआउट आपको फिर से दिया जाएगा जिसे आपको सेलेक्ट करना है। तो देखो सेकंड स्लाइड के लिए मैं यहाँ से ये वाला लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी तरह से आपको धीरे धीरे ये सारे जो स्लाइड्स हैं वो जनरेट कर लेने हैं। मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखो एक एक करके मैंने सारे स्लाइड्स यहाँ पे जनरेट कर लिए हैं और ये लास्ट स्लाइड है जिसके आगे डन लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ से हम इसे डन करेंगे और हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए या रन करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पे एक बटन दिखेगा या ऑल्ट पी के साथ भी अपने प्रेजेंटेशन को प्ले कर सकते हो। अगर आपको कोई भी स्लाइड एडिट करनी है तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कोई भी टेक्स्ट आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से इमेज आप एडिट कर सकते हो और यहाँ पे साइड में और टूल्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप टेक्स्ट और इमेज और मीडिया को भी
एडिट कर सकते हो। यहाँ से सिंपली आपको इस प्ले बटन पे क्लिक करना है और आपका जो स्लाइड शो है वो चलना शुरू हो जाएगा, जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू हो जाएगी। कीबोर्ड के एरो बटन का यूज़ करके आप अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा के इस तरह से दिखा सकते हो या शो कर सकते हो। तो देखो इसने कितना बढ़िया स्लाइड शो एक तैयार किया है दिवाली के ऊपर, आप किसी भी विषय के ऊपर तैयार कर सकते हो। अब इस वेबसाइट में एक ड्रॉबैक भी है, इससे आप इस स्लाइड शो को डाउनलोड नहीं कर सकते हो। ये स्लाइड शो जो है ऑनलाइन ही चलेगा, ऑनलाइन ही आप इसको कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो डाउनलोड तो नहीं होगा, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर ये यहीं पे सेव ज़रूर हो जाएगा, जिससे आप जब भी अपने इस अकाउंट पे लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे आपका जो स्लाइड शो है वो दिख जाएगा, और जब भी आप इसे शो करना चाहो आप यहाँ से शो कर सकते हो। हमारी अगली AI वेबसाइट जो कि मिनटों के अंदर किसी भी भाषा में प्रेजेंटेशन तैयार कर सकती है, उसका नाम है gamma.app। और ये वेबसाइट आप देखो, जैसे इस पे आप लॉगिन करोगे, ये भी फ्री है, इसके अंदर आपको 360 क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसमें से आप अपने स्लाइड शो को बना सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो और वेब पेज बना सकते हो और कई सारी भाषाओं के अंदर बना सकते हो। सो यहाँ पे आप देखोगे, जब इसके होम पेज पे आप आओगे तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट और वेब पेज का ऑप्शन दिखेगा। अब चूंकि हमें प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टॉपिक देना है, तो मैं हिंदी में टॉपिक यहाँ पे देता हूँ। अभी तक तो मैं इंग्लिश में ही दे रहा था, तो मैं यहाँ पे हिंदी में दीपावली टाइप कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा है दिवाली, और यहाँ से मैं इसे सेंड कर देता हूँ। आपके मन में जो भी टॉपिक आता है पूरा टॉपिक लिख सकते हो। यहाँ पे ये 100 हमको वर्ड देता है लिखने के लिए, मैं सिर्फ दिवाली लिखूंगा अभी आपको दिखाने के लिए, और यहाँ से या तो सेंड करूँगा या एंटर करूँगा, और ये दिवाली के ऊपर मुझे बढ़िया सा एक जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार करके दे देगा। देखो यहाँ पे भाषा सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, हिंदी समेत यहाँ पे बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो दी गई हैं। अब सिर्फ आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो स्लाइड्स हैं वो आ गए हैं। यहाँ पे आप जब भी एक स्लाइड शो तैयार करोगे तो आपके 40 क्रेडिट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 360 क्रेडिट आपको मिले हैं, तो इससे आप बहुत सारे जो स्लाइड शो हैं वो तैयार कर सकते हो। तो 10 तो कम से कम कर ही सकते हो, 400 मुझे मिले थे, एक मैंने बना लिया, बाकी ये रह गए हैं। तो बस यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपको थीम्स का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से आप जो थीम चाहो वो ले सकते हो। तो यहाँ से कोई एक थीम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये वाली, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और देखो कुछ ही देर के अंदर यहाँ मेरे पास में दिवाली से रिलेटेड जो प्रेजेंटेशंस हैं वो तैयार होने शुरू हो जाएंगे। देखो ये आपके सामने ही बनाया गया, AI जनरेटिंग जो है वो चल रहा है यहाँ पे, और एक एक करके जो सारे प्रेजेंटेशंस हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। तो देखो लगभग सारे जो स्लाइड्स हैं वो मेरे पास तैयार होके आ गए हैं। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये जो स्लाइड्स हैं ये आपके डेस्कटॉप पे ही जो शो होने हैं वो शुरू हो जाएंगे, और एक एक करके आप अपने कीबोर्ड के जो आपका एरो की है उससे आप इन स्लाइड्स को चला सकते हो। अब देखने में ये वाले स्लाइड्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहे होंगे। इसके अलावा दिवाली का एक स्लाइड शो मैंने और तैयार किया था, जिसमें ये सारे जो इमेज वगैरह थे ये भी इसी AI ने खुद से लगाए थे, और एक बार इस स्लाइड को भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरह के जो स्लाइड्स हैं वो तैयार हुए थे, और कितने खूबसूरत इसने जो स्लाइड्स हैं वो बनाए हैं, जिससे ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है ये और भी ज़बरदस्त बन गया है। अब एक और अच्छी चीज़ है इस वेबसाइट के अंदर कि आप अपने प्रेजेंटेशन को अपने कंप्यूटर के अंदर भी सेव कर सकते हो। सो वो कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। आपको यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे तो आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, पहला एक्सपोर्ट टू PDF और एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट। तो फ्री का जो प्लान है उससे आप यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर भी ये स्लाइड शो को एक्सपोर्ट करा सकते हो। तो 400 क्रेडिट्स यहाँ पे मिलेंगे, उससे आप बिल्कुल शेयर करा सकते हो और ऑफलाइन भी ये स्लाइड शो को सेव करके रख सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर बताए गए जो AI टूल्स थे, जो बाकी के और जो टूल मैंने बताए थे, वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और इन चारों में से कौन सा टूल आपको अच्छा लगा, कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।